हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मसाला मील्स किचन। तो मेरे चैनल पे एक नई रेसिपी लेकर आ गई हूँ। बहुत ही अलग तरीके की रेसिपी है। ये हरी सब्जी है और इसको मैं छोटे छोटे प्रॉन्स के साथ बनाई हूँ और बहुत मज़े की बनते हैं। तो देखिए, ये लंबे लंबे पत्ते के हरी सब्जी, पत्ते वाली, कभी कभी मार्केट में मिल जाते हैं और बहुत टेस्टी लगते हैं ये सब्जी। छोटे छोटे प्रॉन्स ली मैंने 1/2 किलो। तो मैं इसको धोकर पत्ते की सब्जी को मैंने इस तरीके से एकदम बारीक काट के साइड में रख ली। लंबे लंबे कांदा, लहसुन, हरी मिर्च, सूखी लाल मिर्च मैं काट के सब रेडी कर ली। अब मैं इसको बनाने के तरीके बताती हूँ। देखिए, मैंने राई के तेल में बनाऊंगी। आपके पास जो तेल अवेलेबल हो उससे आप बना सकते हो। राई के तेल से बनाने में और ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो अच्छी तरीके से राई का तेल मेरा ये गर्म हो चुके हैं। ये छोटे प्रॉन्स में नमक हल्दी डाल के इसको फ्राई कर लूंगी, थोड़ा इसका कच्चापन चले जाए। मैं हल्दी और नमक डाल के इसको सिर्फ फ्राई करूंगी। तो देखिए किस तरीके से ये मेरे प्रॉन्स से कैसे पानी निकल आए, ये पूरा पानी सूख जाएंगे। देखिए, बहुत सारा पानी छोड़ दिए ये। अब इसको हम, जब तक ये पानी नहीं सूखेंगे तब तक हम इसको चलाते रहेंगे। देखिए, ये फ्राई हो चुके हैं। इस साइड में मैं एक प्लेट में निकाल लूंगी। तो मेरे चैनल जो नए देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैंने 2-3 चम्मच राई के तेल ले ली हूँ और सूखी लाल मिर्च डाल के इसमें 1 मिनट तक मैं ये लाल मिर्च होने दूंगी। ये लहसुन मैं डाल दी, पहले लहसुन डालूंगी। लहसुन अच्छे से लाल हो जाए, 2-3 मिनट तक मैं इसको लाल करते रहूंगी। बहुत आसान ये बनाने को है ये हरी पत्ती का सब्जी। देखिए, इस तरीके से लहसुन को हम लोगों को पकाना है, जलाना नहीं है। और उसमें ये हरी मिर्च और कांदा को मैं डाल दी। बहुत लाल नहीं करना है, जस्ट सॉटे करना है ये सब मसाले को। इसमें मैं थोड़ा नमक डाल दी। नमक अपने हिसाब से डालिए, कम या ज्यादा कर सकते तीखा और नमक। तो देखिए, ये कांदे पूरा मेरा सॉटे हो चुके हैं। अब मैं इसमें ये प्रॉन्स डाल दूंगी। अब इसको हिलाते रहूंगी, 1-2 मिनट चलाऊंगी अच्छे से। हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर डालूंगी इसमें और 1/2 टेबल स्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, और कुछ नहीं डालूंगी। हल्दी तो मैंने इसे प्रॉन्स में डाल दिए थे। हरी भाजी में तो ऐसे हल्दी ज्यादा पड़ते भी नहीं है, तो अभी और नहीं डालूंगी बस। और ये हरी सब्जी में पत्ते वाली अभी डाल दी। इस टाइम में अच्छे से चलाते रहूंगी। ये पत्ते की सब्जी में भी थोड़ा पानी छोड़ते हैं। तो ये मेरा प्रॉन्स पक चुके हैं, मसाला भी अच्छे से हो गए। ये पत्ते की सब्जी पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगते, तो इसको हाई फ्लेम में थोड़ा होने दूंगी। फिर लास्ट में
थोड़ा मीडियम करके आप थोड़ा इसको ढक्कन मत लगाइए हरी भाजी को, क्योंकि इसका ढक्कन लगाने से ये हरी भाजी का कलर चेंज हो जाता है। इसको मैं खुले में ही पकाऊंगी, तो देखिए किस तरीके से हमारा भाजी बन रहे हैं, एकदम हरे हरे। किसी भी खाने के साथ आप खा सकते हो, रोटी, पराठे, दाल चावल,